हाँ जी राणा जी, सूप की रिपोर्ट बताओ, आपने सूप बनवाया कैसा रहा, कैसा है सूप? यार बड़ा मतलब सूप तो ठीक है, वैसे तो टेस्टी है। हाँ बट गाढ़ा बड़ा है ये। गाढ़ा ही होता है सूप तो, ज्यादा ही गाढ़ा हो गया। इसमें पानी कम डाला उसने। हाँ मतलब उसने पूरी ठीक से हिलाया भी नहीं है, मजा नहीं आया मतलब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं हो चुका हूँ रेडी। अब मैं रेडी कहाँ के लिए हुआ हूँ, मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में बताया था, मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के बैचलर पार्टी। तो मैं हो चुका हूँ रेडी। तो मैंने सोचा था कि शूट करूँ या ना करूँ, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हाफ शूट मैं यहाँ का करूँ और थोड़े बहुत क्लिप्स में वहाँ के भी दिखाऊँ, सो दैट आपको भी पता रहे कि कहाँ गया हूँ मैं, क्या है कैसा है, और वहाँ हमने किस तरह से इंजॉय किया, कौन सी प्रॉपर्टी है क्या है। अभी मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, तो अभी मैं स्टार्टिंग का सुबह मॉर्निंग शूट यहाँ पे करूँगा और इसके बाद का जो है मैं वहाँ जाके शूट करूँगा। तो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। फादर साहब ब्रेकफास्ट करने बैठ चुके हैं। फादर साहब आप भी चल रहे हो मेरे साथ? हाँ। चुपाल तक? चुपाल तक। चुपाल में हमारे को क्या काम है क्या नहीं है वो भी हम आपको बताएंगे इसी ब्लॉग में, और हम ज्यादा शूट नहीं करेंगे यहाँ का क्योंकि चुपाल का इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ जी तैयार है? हाँ जी। ओके ब्रेकफास्ट तैयार है, बस हमें दे दो। तो आप रेडी हो चलने के लिए? तो ये आ गई हमारे यहाँ पे पावर स्प्रेयर मशीन जो हमने आपको दिखाई थी पिछले एक ब्लॉग में, जो आपको हिमाचली टूल्स दिखाए थे उसमें एक फुट पंप दिखाया था जिससे स्प्रे होता है। अब ये वाला जो है ये इलेक्ट्रॉनिक भी आता है, वैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक नहीं लिया है, ये पेट्रोल वाला है ना, पेट्रोल वाला, पेट्रोल से चलता है ये और ऑटोमेटिक है, एक बार ऑन करने के बाद खुद से ही पानी सक करेगा और पानी पेड़ में भेजेगा। तो आप अभी तो यूज़ नहीं की ना आपने? अभी यूज़ नहीं की है, अभी यूज़ करनी है ये। हाँ जी। तो ये पावर स्प्रेयर है और ड्रम में इसका एक 200 लीटर के ड्रम में पूरी दवाइयाँ मिलाते हैं, दवाइयाँ रहती है उसमें, दवाइयाँ मिलाते हैं और फिर पावर स्प्रेयर से इसको उसको हम स्प्रे कर लेते हैं और बड़ा स्पीडी स्प्रे होता है। हाँ, स्पीडी ये ऑटो कट है, अच्छी वाली मशीन है ये। हाँ, हाँ। ऑटो कट है। अब तो स्प्रेयर सब लोग या फूड स्प्रेयर को कोई यूज नहीं करता। बिल्कुल, फूड स्प्रेयर से तो बहुत दिन लग जाते हैं, इससे तो बड़ा जल्दी, इससे तो काफी हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रही हूँ जब चंडीगढ़ में तुम बहुत कमजोर था। अच्छा। अब मेरे पास रहा नहीं, अब देखो अपनी सेहत बढ़िया बन गई। ओ सारा क्रेडिट लेना चाह रहे हो हैं? जो माँ करती है ना बच्चों के लिए कोई नहीं करता है। सही बात है, सही बात है। तो ये बात फैक्ट है, जब हम जॉब कर रहे थे, नाइट जॉब कर रहे थे, तो काफी ज्यादा मैं पतला हो चुका था, मेरा फेस भी काफी ज्यादा पतला हो चुका था, बॉडी से बहुत ज्यादा पतला हो चुका था। तो यहाँ आके जो है मम्मी ने पूरी सेवा की है, नो डाउट। मम्मी ने टाइम टू टाइम खाना, दूध, दही, लस्सी, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और बार बार जो है ना कुछ ना कुछ खाने को देते हैं। तो यही एक केयर है जो घर पे रह के पेरेंट्स से मिलती है, जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं भी मिल पाती है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आपको कमाने के लिए और छोटी छोटी चीज़ों के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, करना पड़ता है, बट वहाँ पर भी आप अपना ध्यान रखें। तो अभी मैं और फादर साहब तो रेडी है, अब हम चलते हैं। ठीक है मम्मी, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक दो तीन दिन बाद, बाय। हाँ जी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चौपाल चौक, ये है चौपाल चौक और यहाँ से आगे शुरू हो जाती है मेन मार्केट। तो ये है मेन मार्केट और कंटिन्यू आगे को करता है, ये जाता है नेरवा रोड, एक जगह आती है चौपाल से आगे नेरवा, वो ये वाली सड़क जाती है। और ये है मेरी बिल्डिंग चौपाल में और इसी का रेनोवेशन का काम चला है, इसीलिए फादर साहब जो है इसको देखने आते। तो ये वाली शॉप की रेनोवेशन चली है, तो अभी तो इसमें काम बाकी है कंप्लीट होने को। तो वे तीन शॉप यहाँ है, तीन ऊपर है, तो अभी चल ही रहा है। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, मिलते हैं एक दो दिन बाद, फिर आते हैं। ओके जी। तो मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी जाने के लिए, मैंने फादर साहब को बाय बोल दिया है क्योंकि मैं हो चुका हूँ लेट। अब मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं उनसे अपने फ्रेंड से पूछता हूँ और वहां जाके आपको मिलवाऊंगा, कौन से फ्रेंड्स है, क्या फ्रेंड्स है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, हम सब कॉलेज फ्रेंड्स थे, मैं बताऊंगा कौन कौन कैसे कैसे। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं वहां से शूट करूंगा, क्योंकि अभी मेरे को ड्राइव करना है, तो मैं सोच रहा हूँ ड्राइव करते हुए मैं शूट नहीं करूंगा, सेफली पहुंचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं वहां पहुंच जाऊंगा आसपास तो मैं फिर से शुरू करूंगा शूटिंग। काफी टाइम बाद हम लोग मिलने वाले, तो एक एक्साइटमेंट वैसे ही बनी रहती है, तो मुझे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो अब मैं जो व्लॉग है वो वहां से कंटिन्यू करूंगा, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, आई एम बैक, मैं पहुंच चुका हूं धर्मपुर।
लगभग मैं 160-170 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका हूँ और थक भी बहुत ज्यादा गया हूँ अगर सच्ची बात बताऊँ तो अब मैं ये सोच रहा हूँ जिनकी बैचलर पार्टी है मैं आपको वो उनसे वहीं पे मिलाऊंगा, अगर वो बाय चांस यहाँ मिल गए तो यहीं पे मिलाऊंगा। वो लोग कौन है वो मैं नहीं बताऊंगा, पर आपको पता तो चल ही जाना है बाद में, आपने थंबनेल देखना, अगर थंबनेल कुछ ऐसा हुआ उसमें आपको आइडिया लगी जाएगा, बट कोई बात नहीं, हम सस्पेंस बना के रखेंगे। अब मैं जा रहा हूँ केक लेने। मैंने सोचा है कि मैं दो लोग है, सोचो दो लोगों की एक साथ बैचलर पार्टी है, वो दो लोग है, सस्पेंस, तो मैं सोच रहा हूँ उन दोनों के लिए केक लेके जाऊं। तो अभी देखते हैं मार्केट कहाँ पे है, कहाँ मुझे केक मिलता है। ये मैं धर्मपुर पहुंच चुका हूँ और अब यहाँ से आगे देखते हैं मार्केट किधर है और हमें केक कहाँ मिलेगा। काफी आगे तक आ चुका हूँ मैं, मुझे केक ही कहीं नहीं मिल रहा है। ये कह रहे कि पीछे धर्मपुर चौक पे मिलेगा, अब मैं बहुत ज्यादा आगे आ चुका हूँ, यहाँ से मुझे टर्न करने को भी कहीं को भी नहीं है। तो मैंने एक भैया से पूछा था, नहीं है भैया, ओह यहाँ आगे मिलेगा कहीं, कहाँ पे जैसे, चलो ठीक है आगे ट्राई करता हूँ। एक दुकान मुझे मिली है, यहाँ बेकरी लिखा तो है, पहले एक बार अंदर जाके देख लेता हूँ इसमें मिलेगा कि नहीं। अंदर म्यूजिक था इसीलिए मुझे बाहर आना पड़ा। दिक्कत यह है कि केक सिर्फ एक ही बचा हुआ है, तो अब मैं सोच रहा हूँ एक ही केक में दोनों के नाम लिखवा लेता हूँ, तो अब क्या करे, जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा। उस केक को रिसीव करता हूँ, थैंक यू। तो मैंने केक कलेक्ट कर लिया है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन सबसे पहले आगे चले जाऊँ ताकि ये केक किसी को दिखे ना, प्रॉपर्टी पे ही चला जाता हूँ सीधा, क्योंकि वो लोग भी पहुँचने ही वाले। कसौली, जी हाँ, तो मैं कसौली के रास्ते में आ गया हूँ, काफी अंदर आ चुका हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आपको कसौली के बारे में बताया जाए। कसौली एक ऐसा हिल स्टेशन है कि छोटा सा हिल स्टेशन है और हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ के नियर बाय में पड़ता है, तो आसपास के जो लोग हैं हिमाचल से इवन यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी रहती है, थोड़ा सा हल्का ठंडा वेदर रहेगा, आप इंजॉय कर सकते हो, नियर बाय में पहाड़ आपको देखने को मिल जाते हैं, तो काफी लोग आते हैं, काफी यूथ आते हैं, काफी बच्चे आते हैं, कपल्स आते हैं, हर तरह का क्राउड यहाँ पे होता है। यहाँ कुछ चीजें हैं घूमने लायक, जैसे मैनकी पॉइंट है, चर्च है यहाँ पे एक बहुत ज्यादा पुराना जो कि बहुत फेमस है, तो मैं काफी बार आया हूँ यहाँ पे। अभी भी 6 किलोमीटर है यहाँ से बचा हुआ जहाँ हमें जाना है, तो मैं ही सबसे आगे चल रहा हूँ, बाकी सब मेरे पीछे, पता नहीं कहाँ पहुंचे होंगे। तो मैं पहुंच चुका हूँ ऐसे पॉइंट पे जहाँ से लेफ्ट साइड को जाएगा कसौली, और मेरा गूगल मैप बता रहा है कि लेफ्ट साइड को ही जाना है। होप्सो, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। इलेक्शन टाइम है तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी मार्केट में इधर उधर झंडे हैं, आगे पोस्टर्स है, कुछ टाइम के लिए काफी चलने वाला है ये सब। मुझे जाना है यहाँ से लेफ्ट, मैं आ गया हूँ वापस, क्योंकि पहले इस साइड को दिखा रहा था कसौली साइड को, अब दिखा रहा है कि इधर से लेफ्ट साइड को, अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं लेफ्ट साइड आया था, राइट साइड जाना पड़ेगा मुझे आगे से। देखता हूँ गूगल मैप में कहाँ लेके जा रहा है। तो अभी मैं सीधा प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ और वहीं पे आपको मिलता हूँ, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो ड्राइव करते हुए आई डोंट फील कंफर्टेबल शूट करना, ध्यान रखना पड़ता है चीज का। तो क्या कोई इंसिडेंस है, सस्पेंस खत्म हो चुका है, पहली गाड़ी आ चुकी है मुझे साथ में, यहीं पे मिल गई थी चौक पे, ये देखो आगे जा रही है पहली गाड़ी और मेरे पीछे एक और गाड़ी, मैं हूँ बीच में, तो मुझे ये चौक पे ही मिल गए। मैंने सोचा था सबसे पहले जाके वहाँ पे केक को रखवा लूंगा और तब जब तक ये आएंगे तब तक मैं इनका वेलकम करूंगा, वो हो नहीं पाएगा। तो ये सरप्राइज था कि ये मेरे को चौक पे ही मिल गए थे दो गाड़ी वाले लोग, तो अब ये यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है। लोकेशन बहुत अच्छी है, बुकिंग करते हुए हमें पता नहीं था 8 किलोमीटर्स बताया था, बट ये 11 किलोमीटर्स है अंदर को, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, एकांत में है, ऐसी ही प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे ताकि अगर हम थोड़ा सा नाचे गाए तो शोर भी ना हो। तो मैं आपको मिलवाता हूँ पहले उन लोगों से कौन कौन आए हैं। दूसरा ये कि गूगल मैप पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना, थोड़ा पूछ भी लेना चाहिए, कई बार दो रास्ते होते कनेक्ट कर लेता हूँ, आप कहीं के कहीं पहुँच जाते, मुझे इतने दूर जाके फिर वापस आना पड़ा, तब तक ये लोग मुझे मिल गए। ये है हमारे लोग। हाँ जी, तेरी गाड़ी का दम निकल चुका है। क्यों भाई, चढ़ ही नहीं रही थी वहाँ से, 4x4 मांगती है क्या बोलता, चढ़ क्यों नहीं रही थी, चढ़ एक बारी में चढ़ गई। ये है सनी राणा जी, ये हमारे ध्रुव, ये हमारा उज्जवल, ये पहली उज्जवल तो शायद दूसरी बार मेरे ब्लॉग में आ रहा है, बट ये दोनों पहली बार आ रहे हैं, और बैचलर पार्टी है हमारे भाई साहब ध्रुव की। ये एक और इंसान है वो पहुंचने वाला है, दो लोगों की बैचलर पार्टी है, तो आज होने वाला है फन, हम संभालते हैं। हाँ, अभी हम ऐसा कर लेते हैं ना, हम अपनी जगह देख लेते हैं और थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं जब तक वो आते हैं, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी, काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छी है, एकांत में है तो इसलिए मज़ा आने वाला है। अगर कोई
खेलने का शौक रखते हैं तो उनके लिए बैडमिंटन का नेट भी लगा है। फिलहाल तो हम लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी है, ये ध्रुव की है, ये मेरी है, ये सनी की है। तो पता नहीं कौन से फ्लोर पे होगा, ऊपर ही जाए जा रहे हैं, लगता है टॉप फ्लोर है। हेलो लगता है टॉप फ्लोर है, है? हाँ आ रहा हूँ ना मैं, बिल्डिंग तो दिखाऊँ। तो मैं आपको बता दूँ, आज हम हैं यहाँ पे 3 व्लॉगर्स एक साथ, तो काफ़ी दिक्कत होने वाला है शूट का। तो मैं थोड़ा थोड़ा शूट करूँगा, इसके बाद थोड़ा सा जो मुझे लगेगा कि इंटरेस्टिंग है ग्लिम्स, बाकी आप दिलीप के व्लॉग्स एंटी की डीजी व्लॉग्स में इंजॉय कर सकते हैं उनकी जर्नी, किस तरह से वो लोग यहाँ पे आए और क्या कैसे कैसे पहुँचे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज हुई। मैंने भी आपको बताया कि कितने मुश्किल से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, बड़ा मुश्किल हो गया था रास्ता ढूंढना। जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं ना, ये मिलते नहीं हैं, काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसमें। तो ये है प्रॉपर्टी, उज्ज्वल पूरा टूर दे रहा है, मैं नहीं दूंगा, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। वाह, यहाँ पे गैलरी है, यहाँ ध्रुव शूट कर रहा है, अंदर उज्ज्वल चला गया है, ये लिविंग एरिया है हमारा, तो यहाँ एंजॉय करने वाले बेसिकली हम। हेलो उज्ज्वल, हेलो उज्ज्वल, हेलो हेलो, कैसे हो? अरे यार, होम टूर होम टूर होम टूर, काफी मजा आ रहा है यार, काफी खुला है, इधर भी है। वाह नाइस, फिर राणा जी कैसा लग रहा है आपको? तू क्यों आया, तेरी तो शादी होगी है, हम सब अभी बैचलर है, हम आ सकते, तू क्यों आया? गलती कर दी भैया। अभी हम लोग नीचे गाड़ी के पास आए थोड़ा सामान लेने, साथ में यहाँ पे एक मंदिर है। वाह, अच्छा है कि साथ में ही हमारे पास एक मंदिर है ब्लेसिंग्स के लिए। और ये आसपास का कुछ व्यू है यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ध्रुव ने कुछ कार्ड मुझे दिए हैं और ये देने हैं गांव में, जितने भी मामा बन के आएंगे लोग, गाँव के लोग भी साथ में आते हैं, तो फैमिली को तो देने ही है, गाँव में भी दूंगा मैं जो लोग मामा बन के आएंगे हमारे साथ। तो ये काफ़ी खूबसूरत कार्ड है इसका, तो मैं एंट्री कर लेता हूँ यहाँ पे, ये लो ये आईडी प्रूफ के लिए, एंट्री करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो सब ऊपर चले गए, तो मैंने सोचा एंट्री करवा लेता हूँ, क्योंकि भैया बोल रहे थे कि एंट्री करवा लो, तो ये तो चल पड़े सीधा ही सामान लेके, मैं अभी जाता हूँ ऊपर। अब तो आ चुका है टीम में रोहित, ये कैसा मेरे भाई, ये हमारे सेकंड दूल्हे राजा। अब भाई साहब इनके कहने पे आना ही पड़ा, इन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया और साथ में हमारे वकील साहब को बिठा दिया है। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, दो ऐसे लग रहा है, तीन तीन व्लॉगर हैं और सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है। ये दो दूल्हे हमारे साथ हैं, अरे वाह। कैसा, एक बात बताओ, कैसा लग रहा है तुम दोनों को? और कोइंसिडेंसली दोनों की शादी एक डेट पे ही है यार। बढ़िया भी है, लेकिन मिस भी तो होएगा ना सेम डे, वही तो दिक्कत है। हमने क्या, तभी हमने बोला बैचलर पार्टी की जाएगी, ताकि हम सब एक रियूनियन भी करें और मिल भी सके। तो कैसा लगा आपको प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इज नाइस, थैंक्स टू राणा जी यार, इन्होंने कहा राणा जी। अच्छा है, अच्छी प्रॉपर्टी है। हाँ जी राणा जी, सूप की रिपोर्ट बताओ, आपने सूप बनवाया, कैसा रहा, कैसा है सूप? यार बड़ा, मतलब सूप तो ठीक है, वैसे तो टेस्टी है। हाँ, बट गाढ़ा बड़ा है ये। गाढ़ा ही होता है सूप तो, ज्यादा ही गाढ़ा हो गया, इसमें पानी कम डाला उसने। हाँ, मतलब उसने पूरी ठीक से हिलाया भी नहीं है, मजा नहीं आया, मतलब अजीब जैसा आ रहा है। अभी अभी हम लोग टेरिस पे आए, तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाना चाहता हूँ, इट्स ऑसम, और काफी अच्छी जगह है यहाँ बाहर बैठने के लिए। मेरे साथ आए राणा जी, राणा जी तो वादियों के मजे ले रहे हैं, और ये थोड़ा सा यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट रखा हुआ है, और आगे ये व्यू है, कितना ऑसम व्यू है, इस ग्रीनरी में, इस नेचर में बैठने का मजा ही कुछ और आ रहा है। तो अभी मैं और राणा जी आए ऊपर, क्योंकि हमने किया है बॉनफायर का इंतजाम, और एक जो स्पेशल हम एक केक लेके आए हैं, उसकी भी कटिंग कराएंगे। अभी सब मस्त है, अपना एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए मुझसे ज़्यादा शूट भी नहीं हुआ, क्योंकि इतने टाइम बाद हम लोग मिले हैं, तो एक एक्साइटमेंट होती है एक मिलने की, तो उसी में सारा टाइम चला गया। तो अभी के जो मोमेंट्स हैं मैं ज़रूर कैप्चर करूँगा, आप लोग भी इन मोमेंट्स को इन्जॉय कीजिएगा। तो बस अभी बॉनफायर करते हैं और केक लाते हैं, फिर बुलाते हैं नीचे से दो होने वाले दूल्हों को। यस, लकड़ियाँ तो ठीक है यार, काफ़ी है, चल पड़ेगा अपना कोटा। क्यों, एक दो घंटे, क्या लगता है राणा जी आपको, एक दो घंटा चल पड़ेगा? मोटी है लकड़ियाँ, जल्दी पड़ेगा। हाँ, अभी आग बस जल जानी चाहिए ना, अब यहाँ लकड़ियाँ ही नहीं जल रही है। इतनी ठंड है,
कि ये जो लेके आए थे डीजल पेट्रोल जो भी लेके आए होगे भाई, वैसे तो डीजल लग रहा है, इससे आग ही नहीं लग रही है। देखो मेरे को तो मिट्टी का तेल लग रहा है भाई। मिट्टी का तेल है पर इसमें आग क्यों नहीं पकड़ रहा होगा। तो भाई इस टाइम पूरी तैयारी के साथ आया है कि कागज भी लेके आया कुछ कि आग जल जाएगी। क्या लगता है राणा, जलेगी आग? देखो तैयारियों के हिसाब से जला के देखिए, लगती आग। ऐसा भी क्या हो गया यार ऐसे, पहले इसको जलाओ। एक मिनट लो भाई। ओहो राणा जी क्या बात है, राणा जी को बहुत एक्सपीरियंस है आग जलाने का। देखो एकदम इन्होंने आग जला दी, मजा आ गया। तो अब हम जो है ना धीरे धीरे सबको बुलाते हैं। थैंक यू भैया। राणा जी एक काम करते हैं, ये जो चेयर्स है ना इन सबको अरेंज करके ना एक जगह पे रख लेते हैं, ठीक है? हाँ। बैठने के लिए भी हो जाएगा और आग इधर लगी है तो काफी अच्छा वो आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने और राणा जी ने चेयर्स लगा दी है, ये यहाँ पे बॉन फायर है, काफी अच्छा लग रहा है और मजा आएगा। और इतनी ठंड भी नहीं है जितना लग रहा था कि बहुत ज्यादा ठंड होगी, ठीक ठंड है, पर इसने जो है ना जान बचा दी। और लकड़ियां भी काफी है हमारे पास, तो उन्हें हम टाइम से बुला लेंगे ताकि ये लकड़ियों का यूज तो हो, है ना? ठीक है, ठीक है। अब हो सकता है कि मैं इतना ही शूट करूं और ये केक वाला मेरा लास्ट इवेंट हो, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा टाइम इनके साथ भी स्पेंड करूं। ऊपर से हम 3 दिन व्लॉगर है तो बहुत कम टाइम मिल रहा है शूट करने के लिए। मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अच्छा सा निकाल के बीच से कुछ आपको दिखाऊं और आपको दिखा पाऊं कि हम किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। और ये एक यूनिटी जो है हमारे फ्रेंड्स की काफ़ी पुरानी यूनिटी है और हम बहुत ज़्यादा पुराने फ्रेंड्स हैं। ये अखिल, सनी, रोहित ये मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं और ध्रुव और उज्ज्वल तो भाई है। तो हम सबका बहुत छोटा सा ग्रुप है, हम जब भी जहाँ जाते हैं सब साथ जाते हैं, इंजॉय करते हैं और छोटी मोटी जितनी भी एक दूसरे की खुशियाँ हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो बस अब वेट करता हूँ, सनी उनको लेने अभी नीचे गया हुआ है और ये बिल्कुल सरप्राइज है। अखिल और ध्रुव को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमने कुछ ऐसा भी प्लान किया होगा, बहुत ही टॉप सीक्रेट सरप्राइज अभी तक का। देखना चाहूंगा उनका रिएक्शन। आगे भाई गुड, इसको इस पे रख दो टेबल पे, बड़े वाले टेबल पे। थैंक यू सो मच। तो ये केक है जो मैंने इन लोगों के लिए लाया है। यार मुझे एक ही मिला इसलिए मैं एक ही लेके आया, ना होने से अच्छा है कुछ तो मिल गया। बड़ी मुश्किल से मिला मुझे ये केक, तो मैं इसको खोलता हूँ अभी। तो ये केक है हमारा और इसमें लिखा हुआ है, सॉरी इधर से सुलटा है, ये है बी पार्टी बैचलर पार्टी अखिल एंड ध्रुव डी एच आर, एच कहाँ गया इसका, डी आर यू वी, ध्रुव कर दिया। कोई बात नहीं, मैं और भैया इंतज़ार कर रहे हैं अब आग के साथ। भैया हमारा पूरा साथ दे रहे हैं ताकि आग ना बुझे। कोशिश तो यही है कि आग जलती रहे कुछ टाइम तक के लिए, साधन है अपने पास। मुझे आवाज़ आ रही है कदम चाल की ठक ठक, तो लगता है वो लोग आने ही वाले हैं। यस मैं इसके आगे खड़ा रहता हूँ। हेलो वेलकम टू बॉनफायर। ओह माय गॉड, एक ही बंदा, एक ही बंदा आया। ओ धीरे धीरे सारी टीम आ गई, ये कम ऑन गाइस वेलकम टू बॉनफायर। कैसा लग रहा है? किसी ने पूछा जन्नत कहाँ है? अच्छा यहाँ है। ये गाइस जन्नत यहाँ है। कहाँ गए हमारे दूल्हे राजा दो? एक तो आ गया, दूसरा किधर गया? सेकंड दूल्हे राजा आ जाओ, सेकंड दूल्हे राजा बजाते हैं आपका बाजा, कम ऑन गाइस। तुम दोनों को इधर आना पड़ेगा, तो आ जाओ भाई दूल्हे राजा, कम ऑन कमान। गाना लगेगा। दोनों दूल्हे राजा, बिना गाने के भी अच्छा है सनी राणा जी। चलो एक बार इसको पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? बी पार्टी। अच्छा, बैचलर पार्टी। एक्चुअली मैंने सोचा था कि दो लेंगे पर उनके पास सिर्फ एक ही था, वो भी बड़ी मुश्किल से मेरे को आगे जाके ढूंढने से मिला, नहीं तो मिला नहीं था हमें केक। तो गाइस कट द केक, हाँ विश मांग लो भाई दोनों। वो यार कैसे, वैसे तो सही बात है। ये दूल्हे। तो आपने देखा किस तरह से छोटी छोटी चीजें करने से खुशियां बढ़ जाती है, तो वही एक छोटा सा एग्जांपल था। केक तो सिर्फ एक बहाना था पर वो जो मुस्कुराहट और वो खुशी थी उसका अलग ही मजा है। अब ये है रोहित, हम सामान लेने आए हैं।
तो ये अब मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ और इनके साथ थोड़ा सा एंजॉय करता हूँ। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और देखते रहे अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। और मैं ये नहीं बोलूंगा स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट ब्लॉग, मैं ये बोलूंगा अगले ब्लॉग के लिए जुड़े रहे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।